हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाला दो मोस्ट पॉपुलर पेन ड्राइव, एक अमेजन बेसिक की ओर से आने वाला 64 GB 3.0 पेन ड्राइव, दूसरा एचपी कंपनी की ओर से आने वाला 64 GB 3.2 USB पेन ड्राइव। कंपैरिजन में देखिए किसके अंदर आपको रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा देखने को मिलती है, कॉपी करने पर सेकंड में कितना एमबी जाएगा, बॉडी क्वालिटी किस टाइप की देखने को मिलती है, साइड बाय साइड डिजाइन कंपैरिजन भी शो करूंगा और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो आप भी सोचो को अच्छा सा पेन ड्राइव बाय करने के लिए, आपका बजट अराउंड 200 रुपीज के करीब है, तो अमेजन बेसिक वाला मैंने बाय किया 299 रुपीज का। अमेजन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मैं कोई 400-500 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक पे आप क्लिक करो तो एक पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करके पीडीएफ को ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर बेस्ट सेलर और हैवी डिस्काउंट के प्रोडक्ट लिंक रहेगी सारी अमेजोन के, तो लिंक पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है, तो अमेजोन ऐप में बेस्ट सेलर प्रोडक्ट आपको विजिबल हो जाएगा। वही एचपी वाला सेम 299 रुपीज का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मैं कोई 400-500 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मैंने परचेज किया, ऑफर भी चालू था। कुछ इस आपके पैकिंग देखने को मिल जाते हैं, तो चलो करते हैं इसे ओपन। तो डिजाइन की बात करें, अमेजोन बेसिक वाला कंप्लीट आपको मेटेलिक देखने को मिलेगा, ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, अमेजोन बेसिक की ब्रांडिंग 64 GB 3.0 इधर मेंशन है, स्मॉल साइज है, कंफर्टेबल है, आराम से चेन वगैरह में किचन में भी आप हैंग कर सकते हो, लगा सकते हो। वही एचपी वाला आपको साइज में बड़ा देखने को मिलता है, इसे भी आप किचन में होल्ड कर सकते हो या फिर चेन वगैरह या चाबी के छल्ले में लगाना वो भी लगा सकते हो। यूएसपी 3.2 इधर मेंशन है, 64 GB मेंशन है, एचपी की ब्रांडिंग है, कंप्लीटली प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ, प्लास्टिक मटेरियल प्रीमियम है। तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करता हूं अमेजन बेसिक वाले को। अभी स्टोरेज की बात करें 64 GB पर यूसेज में आपको 58.5 GB देखने को मिल जाएगा अमेजन बेसिक वाले के अंदर, कोई भी पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इतना ही आपको यूसेज देखने को मिलता है। तो इधर मैं आ जाए तो मेरे इंटरनल स्टोरेज के अंदर इधर एक फाइल ले लेता हूं, जैसे कि वीडियो की फाइल है, इसकी साइज की बात करें तो अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा 559 MBPS के करीब। इसे मैं करता हूं इधर से कॉपी, फिर से आता हूं मैं मेरे पेन ड्राइव के अंदर और इसके अंदर मैं करता हूं पेस्ट। तो अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ अमेज़न बेसिक वाला, तो स्पीड की बात करें अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा 50, 44, 34 MBPS के करीब, थोड़ा फ्लक्चुएशन भी है। एवरेज स्पीड की बात करें तो आपको 45 MBPS के करीब स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो जो कि मैं इंटरनल से मैंने पेन ड्राइव के अंदर कॉपी किया, वही अब मैं पेन ड्राइव से कॉपी करके इंटरनल में पेस्ट करता हूं मेरे हार्ड ड्राइव में। तो इधर आप देख सकते हो 110, 115 MBPS ओवरऑल देखने को मिल जाती है अमेज़न बेसिक के पेन ड्राइव के अंदर। तो ये तो हो गई स्पीड अमेजन बेसिक वाले की। अब मैं इसे कर देता हूँ इचेक और यहाँ मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एचपी वाला। तो एचपी वाला इधर शो हो गया एचपी यूएसपी करके 57.7 GB की, इसके अंदर आपको स्टोरेज देखने को मिल जाता है। वहीं अमेजन बेसिक वाले के अंदर आपको 58.5 GB 700-800 MB आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिला था अमेजन बेसिक में। अब जैसे कि मैं फाइल ही ले लेता हूँ, इधर आता हूँ, इधर सेम फाइल को मैं इधर से करता हूँ कॉपी और इधर मैं आ जाता हूँ वापस से मेरे पेन ड्राइव में, इधर मैं करता हूँ पेस्ट। अमेजन बेसिक वाले के अंदर आपको 40 MBPS के करीब देखने को मिल रहा था जब आप इंटरनल से पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी चीज पेस्ट कर रहे थे, वहीं इसके अंदर आपको 20-25 MBPS तक एवरेज स्पीड मिल रही है एचपी वाले में। तो इसे कंप्लीट कॉपी होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कॉपी हो चुका है, इसके अंदर एवरेज मुझे 20-25 MBPS मिल रही थी। इसे मैं करता हूँ फिर से कॉपी और फिर से आता हूँ मैं मेरे इंटरनल स्टोरेज में, इधर मैं करता हूँ पेस्ट। उसके पहले ऑलरेडी ये फाइल है, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैं करता हूँ इधर पेस्ट। तो इधर आपको 100 से लेकर 150-120 MBPS की मिल रही है। आप पेन ड्राइव से इंटरनल के अंदर कुछ भी चीज पेस्ट करोगे, अमेजन बेसिक हो गया, एचपी वाला, दोनों के अंदर आपको सेम स्पीड देखने को मिलती है। जैसे वीडियो शूट करते हो या फिर फोटो शूटिंग वगैरह कुछ भी काम करते हो, तो जो डेटा आपका पेन ड्राइव में रहेगा एडिटिंग के लिए कंप्यूटर में लेते हो तो आपको 100 MBPS की मिल जाएगी स्पीड। वही कंप्यूटर से आप पेन ड्राइव के अंदर लेते हो तो एचपी वाले के अंदर आपको 20-25 एवरेज स्पीड मिलेगी, वही अमेजन बेसिक वाले के अंदर आपको 40-45 MBPS की एवरेज स्पीड मिलेगी पर सेकंड की। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ एचपी वाले को इजेक्ट। कभी भी कोई भी पेन ड्राइव को आपको रिमूव करने के पहले इजेक्ट करना जरूरी है, जिससे आपका पेन ड्राइव खराब वगैरह नहीं होगा। तो लास्ट क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप अमेजन बेसिक वाले को जाओगे ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसके अंदर आपको स्पीड भी ज्यादा देखने को मिलती है, मेटेलिक डिजाइन है, डिजाइन भी न्यू बनी हुई है और स्मॉल साइज भी कैरी करना भी ईजी है, किचन वगैरह में छल्ले में आप आराम से लगा सकते हो। वहीं आप एचपी का काफी अच्छा ब्रांड भी देखने को मिल जाता है, अमेजन बेसिक न्यू ब्रांड है, तो एचपी के काफी ज्यादा प्रोडक्ट वगैरह भी है और आपके पास ऑलरेडी एचपी के प्रोडक्ट है, वो केस पे आप एचपी वाले की और भी जा सकते हो। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अमेजन बेसिक वाला आपको देखने को मिल जाता है 299 रुपीज का अमेजन पर, डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मैं कोई 400-500 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। वहीं एचपी वाला आपको देखने को मिल जाता है सेम 299 रुपीज का 64 GB का, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मैं कोई 400-500 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया, ऑफर भी चालू था। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।